आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ शहर में अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित देवी पंडालों में सप्तमी अष्टमी को देर शाम को प्राणों की प्रतिष्ठा के लिए मंत्र उच्चारण से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। 12 व 13 अक्टूबर को सभी देवी पंडालों पर पूजा पाठ का काम और प्राण प्रतिष्ठा का काम जारी था। इसके बाद सभी देवी पंडालों के पट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। 15 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन शहर में मुख्य मेले का आयोजन होता है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा शहर में पैदल भ्रमण कर नवरात्रि दुर्गा पूजा में बने पंडालों का निरीक्षण किया गया। पंडाल व्यवस्थापकों को यह बताया गया कि रात्रि में पंडाल में समिति के एक सदस्य अवश्य मौजूद रहें एवं अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। भ्रमण पे है, खासतौर पे त्योहार को लेकर देखिए, पूरे जनपद में जो देवी पंडाल है वो सज गए हैं, उसमें लोगों की आवागमन भक्तों का बढ़ गया है और चारों तरफ चहल पहल है। इसी को लेकर आज मेरे द्वारा शहर में फुट पेट्रोलिंग की गई और जो देवी पंडाल है उन्हें देखा गया, उनकी व्यवस्था देखी गई और जो कुछ थोड़ी बहुत कमी थी उसके बारे में पंडाल के व्यवस्थापक हैं उन्हें बताया गया। विशेष रूप से ये भी बताया गया कि रात्रि में कोई ना कोई व्यक्ति पंडाल पर अवश्य रहे ताकि कोई ऐसी बात ना हो पाए जिससे कोई भ्रम की स्थिति पैदा रहे। इसके अलावा यहाँ पर दशहरा के अगले दिन से विसर्जन शुरू होता है, लगभग 20 दिन विसर्जन चलता रहता है। यहाँ पर शहर में जो हमारा सिधारी है वहाँ पर एक बड़ा पॉन्ड बनाया गया है, तालाब बनाया गया है, पानी उसमें भरा गया और लाइटिंग की अधिक व्यवस्था की गई, वहाँ सारी शहर की मूर्ति विसर्जित होंगी। इसके अतिरिक्त पूरे जनपद में कल हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, हमने और डीएम साहब ने, जहाँ जहाँ मूर्ति विसर्जन का स्थल था वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए कहा है और आज सब जगह व्यवस्था हो गई है। अभी कल का दिन और हमारे कल और परसों का दिन और हमारे पास है, इन दो दिनों में बाकी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लेंगे और जितने भी पंडाल हैं और उनके आयोजक हैं उन्हें कोई असुविधा अपनी मूर्ति को ले जाकर विसर्जित करने में नहीं होगी। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जो व्यवस्था प्रशासन पुलिस द्वारा बनाई गई है उसी व्यवस्था के हिसाब से चलें, वही अपना विसर्जन करें ताकि वहाँ पर अरेंजमेंट होने से कोई दुर्घटना होने का भी कोई चांस ना रहे और सब लोग अपना त्यौहार ठीक से मनाकर वापस घर लौटें। विसर्जन को लेकर सर, जब आते हैं जलूस आता है उसको लेकर आप कितना मुतमिन है कि जलूस से कोई दिक्कत ना हो, कोई इस तरीके का ट्रैफिक बाधा ना हो? देखिए, सारी व्यवस्था पूरी तरह से बनाई गई है। कल ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बात हुई, कहाँ से डाइवर्जन होगा, कैसे होगा और हर छोटे छोटे बिंदु पे कल बात हुई है। हमारे पास पर्याप्त फोर्स है और ड्यूटी लगाई गई है और बहुत अच्छा इस बार विसर्जन होगा और कोई, हमें लगता है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी जो इस जनपद पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करें। ठीक सर, थैंक यू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।